अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 44 क्वार्क्स लिप्टॉन्स एंड द बिग बैंग प्रॉब्लम 10 है। वो कहते हैं एक न्यूट्रल पायॉन है जिसकी रेस्ट एनर्जी 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मीन लाइफ टाइम 8.3 × 10⁻¹⁷ है। वो कहता है प्रोड्यूस किया गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिके करता है 1 मीन लाइफ टाइम के बाद। ठीक है, वो कहता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल ट्रैक बताओ ये पार्टिकल जो लीव करेगा बबल चैम्बर के अंदर। रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन को यूज करना है। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिविस्टिकली होती है mc² γ-1, यहाँ से हम गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी भी पता है, रेस्ट मास भी पता है, देन आपके पास सारे को सॉल्व करेंगे तो 1.59 आ जाएगा। अब क्या जी, गैमा की वैल्यू हम जानते हैं 1/√1 − v² / c² होता है, दोनों तरफ का स्क्वेयर कर लेंगे, यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी c 1/1 − γ, गैमा की वैल्यू हम जानते हैं 0.788 c लिखा जा सकता है, c की वैल्यू भी प्लेस करेंगे तो 2.33 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये आपके पास वेलोसिटी होगी उसकी जिससे वो मूव करेगा। अब वो कहता है कि जी जो रेफरेंस है यानी लेबोरेटरी का लाइफ टाइम जो पायॉन है वो टेबल में यानी नहीं दिया हुआ, टाउ को हम कह सकते हैं पर डायलेटेड है, तो टी बराबर आ जाएगा गैमा टी के, यहाँ से 1.5 उसकी मीन लाइफ टाइम के साथ 1.3 × 10⁻³ आ जाएगा। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा x इज इक्वल टू वी टी, हमें टाइम फैक्टर पता है, हम उसकी वेलोसिटी पता है, तो 3.1 × 10⁻⁸ मीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।